नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पठान फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पठान फिल्म के 14 दिनों का जो YRF ने पोस्टर जारी किया है, और उसके बाद में बात करेंगे 15 दिन का कितना कलेक्शन आया और 16 दिन फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों, YRF के अनुसार 14 दिन का जो पठान फिल्म का कलेक्शन है वो 865 करोड़ रुपीज हो गया है। लगता है 1000 करोड़ ये पहुंचा कर ही दम लेंगे, तो 865 करोड़ हो गया। इंडिया ग्रोस हो गया 536 करोड़ रुपीज, और नेट कलेक्शन इसका इंडिया का 446.20 करोड़ रुपीज 14 दिन का बता रहा हूं, दो सप्ताह की ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। और दोस्तों, जहां तक ओवरसीज की बात करें तो 329 करोड़ रुपीज 2 हफ्ते में फिल्म ने ओवरसीज से कमा लिए, ये ऑफिशियल रिपोर्ट YRF ने जारी की है। ट्रेड की रिपोर्ट है, YRF की रिपोर्ट है। अब कितना इसमें आप बिलीव करते हैं कितना नहीं करते वो अलग मैटर है, लेकिन ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। अब दोस्तों, बात करें डे नंबर 14 की, तो 7.75 करोड़ रुपीज का ही कलेक्शन आया है 14 दिन पठान फिल्म का सभी भाषाओं को मिलाकर के। तेलुगु और तमिल का तो वैसे भी 2 लाख 5 लाख रुपए का कलेक्शन आया है, ज्यादा कलेक्शन आ नहीं रहा है क्योंकि साउथ वाले ज्यादा हिंदी मूवीज पसंद करते नहीं है, वहां पहले ही बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई जाती है। दोस्तों, जहां तक डे 15 की बात करें, कल की बात करें तो कल 6.76 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया है इंडिया नेट सभी भाषाओं को मिलाकर के। सभी भाषाओं का मतलब केवल हिंदी में आया है, बाकी तो नाम मात्र के कलेक्शन आ रहे हैं। और परसों के मुकाबले करीब 13% का ड्रॉप कलेक्शन में है, तो ड्रॉप लगातार हो रहा है। और जहां तक बात करें डे 15 तक के टोटल की, तो 453 करोड़ रुपीज मतलब 450 करोड़ को पार कर गई है नेट कलेक्शन के मामले में पठान फिल्म 15 दिनों में, ये इसका नेट कलेक्शन का आंकड़ा है। और दोस्तों, जहां तक बात करें आज की, तो आज फिल्म को 2.13 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है, 2.13 करोड़ की सबसे कम एडवांस बुकिंग आज की है। और आज ये फिल्म करीब करीब 6.37 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली है, मतलब आप ये मानिए कि 6.5 करोड़ के, 6 से 6.5 करोड़ के बीच में इसका कलेक्शन आज रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये कलेक्शन में इसमें ऐड कर दूं तो करीब 459 करोड़ से 460 करोड़ रुपए के बीच में 16 दिनों का नेट कलेक्शन हो जाएगा। तो आज का जो पोस्टर आएगा वो करीब करीब मेरे हिसाब से 890 करोड़ रुपए के आसपास आएगा, 890 से 895 करोड़ रुपए का 15 दिनों का कलेक्शन पठान फिल्म का आएगा। तो दोस्तों, ये पठान फिल्म की रिपोर्ट है, और अभी ये बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को और बाकी जो भी रिकॉर्ड है KGF चैप्टर 2 उनको ध्वस्त कर पाती है नहीं कर पाती है, 1000 करोड़ तक जाती है नहीं जाती है, 500 करोड़ से ऊपर जाती कि नहीं जाती हिंदी नेट कलेक्शन में, ये सब जिज्ञासा का विषय है उन लोगों के लिए जो इन कलेक्शन को लगातार फॉलो कर रहे हैं। और कई लोग जो इनको नहीं मानते इस कलेक्शन को, उनके लिए तो खैर जिज्ञासा वाला कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि IMDb का जो कलेक्शन जारी किया गया था उसको किस जिस प्रकार से सवाल उठाए गए उनके ऊपर, और बाद में किस प्रकार से लगातार कलेक्शन वहां पर भी चेंजिंग हो रहे हैं, लगातार नए नए कलेक्शन की रिपोर्ट्स आ रही है, तो कई तरह के इसमें बातें आ रही निकल के सामने। दोस्तों, उसके बारे में अब ज्यादा बातें करना नहीं चाहूंगा, फिलहाल का मैंने आपको आंकड़ा बता दिया है कि आज का मिला करके मतलब 16 दिनों का इसका जो नेट कलेक्शन है वो करीब 460 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला है। फिलहाल इतना ही, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।